रेडी सर के लिए भारतीय झंडे को लहरा दिया और वहां से जीवित भी लौट कर आए। इनकी वीरता भारतीय पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। इस प्रकार ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल सेक्टर के सभी पोस्टों को कैप्चर कर लिया। अब बारी थी बटालिक सेक्टर की। बटालिक सेक्टर में जुबेर हाइट काफी अहमियत वाली जगह थी क्योंकि भारतीय सेना को आगे बढ़ने का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता। जुबेर हाइट को कैप्चर करने का टास्क फर्स्ट बिहार रेजिमेंट को दिया गया। वीर बिहारियों ने नमस्ते, मेरा नाम स्टेंजिन है, मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बैमा से हूँ और आज हमें आर्मी ने एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है ये मोटिवेशनल टूर के लिए। बच्चों को मोटिवेशनल टूर के लिए लेके जा रहे हैं, तो बच्चों ने तो ऐसे ले गया होगा मगर उन्होंने रेजिमेंटल सेंटर नहीं देखा होगा, हॉल ऑफ फेम नहीं देखा होगा, जोरावर फोर्ट नहीं देखा होगा। इनको आर्मी वाले ने बहुत अच्छा ये अच्छा मौका दिया है इनको वहाँ लेके जाने के लिए, इसलिए आर्मी का हमें हम बहुत शुक्रगुजार है सर। कितने बच्चे हैं इस टूर में? इस टूर में लगभग 30 बच्चे होंगे, 3 स्कूल के हैं, हर स्कूल से 10-10 बच्चे, इसी तरह हमारे स्कूल से भी 10 बच्चे हैं, 5 बॉयज 5 गर्ल्स है सर। थैंक यू। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के स्कूल गवर्नमेंट के ना आर्मी तरफ ना एक टूर एक्सपोजर टूर चाहिए, मतलब मोटिवेशनल टूर चाहिए बाहर रीजन आसाना वो खोज है, मतलब आर्मी चीज आना वो थूम चुके हैं और नया नॉलेज खोल चुके हैं और वहाँ से स्कूल का ना एट फ्रूट और दोनों हर स्कूल का ना एट 10 फ्रूट और दोनों साथ मतलब वहाँ से बाहर देखना अच्छे भी मतलब सहन देना सब पता है सचिन की कौन देना नाम वो बच्चों का पता तो अच्छी देर कल्चर उन गाँव में और कौन देना रहन सहन साथ पता है अच्छी देर और वहाँ आर्मी इंडियन आर्मी शुक्रगुजार होती है वहाँ मतलब जो टूर सर और वहाँ देना होती मतलब अगले साल भी टूर।